तारीख के जो नतीजे आए हैं वह है नतीजे विकास का काम जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में हुआ है, ये उन विकास के कार्यों का परिणाम है कि जनता ने समर्थन दिया है। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के लिए जो आगे काम करना है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी NDA आगे बढ़ेगा और जिस अपेक्षा से जनता ने विश्वास दिया है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। मतलब पूरे देश में कई जगह सीटें कम हुई, फिर भी आप लोग MP में पहली बार क्लीन स्वीप कर ले गए, इसका क्रेडिट कर सकते हैं? देखिए, MP में भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और जो मोदी जी की लोकप्रियता है उस लोकप्रियता से भी मध्य प्रदेश में, फिर हमारी राज्य की सरकार जो अच्छा काम कर रही है, पहले किया अभी कर रही है, विधानसभा में भी हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, 166 सीटों पर हम लोग जीते थे। तो मध्य प्रदेश में लगभग कांग्रेस समाप्त हो गई है और इस चुनाव से भी ये प्रमाणित हो गया कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। लगातार कांग्रेस पिछले 20-25 वर्षों से हार रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आधार पर शानदार जीत प्राप्त की है। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।